गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोयल का कंटेंट एक है मान सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट का नाम है सैचुरेशन कैपेसिटी, क्योंकि सोयल का जो कंटेंट है उसमें हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हर कंटेंट पता होना भी जरूरी है। तो आज हम देखेंगे सैचुरेशन कैपेसिटी। तो सैचुरेशन मीन्स होता है संतृप्त, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो जो संतृप्त क्षमता होते हैं वो क्या होते हैं सोयल में, ठीक है। तो आपका जितना भी माइक्रो सोयल में जो माइक्रो और मैक्रो जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे वाटर में फुलफिल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सोयल का सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। जब क्या होंगे, माइक्रो और मैक्रो स्पोर्स दोनों ही वाटर से फुलफिल होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन कैपेसिटी। मेरे साथ बोलिए तो ऐसे ही याद हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा है, एक बार देखेंगे तो होगा नहीं, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सैचुरेशन कैपेसिटी होते हैं उसको मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता इसी कंडीशन में होता है। जल को मृदा क्या करता है, सूख कर रखता है कैपेसिटी, इसलिए बोलता है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जब मैक्रो और जो माइक्रो स्पोर जो वाटर से फुलफिल हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो टेंशन हो जाता है, तनाव होता है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि आपका जो सैचुरेशन कैपेसिटी है उसका टेंशन का मान कितना होता है, तो जीरो होता है, क्योंकि मैक्रो और जो माइक्रो वाटर होता है दोनों वाटर से फुलफिल हो जाता है। तो इस कंडीशन के उसके मान जो टेंशन का मान हो जाता है वो आपका जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करें टेंशन, तो यहाँ टेंशन से और एक भी क्वेश्चन आता है कि सोयल मॉइस्चर टेंशन को किससे मेजर करता है, तो जब भी टेंशन वर्ड आएंगे तो उसको टेंशियोमीटर से ही मेजर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने एक माइक्रो और मैक्रो वर्ड भी यूज़ किए थे, ठीक है। मेनली आपको देखेंगे सोयल में तो जो आपका माइक्रो और मैक्रो होते हैं, माइक्रो में क्या होता है आपका वाटर, और मैक्रो में क्या होता है जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपका एयर भरा होता है। बस ये जो सैचुरेशन कंडीशन में पूरे के पूरा आपका क्या होता है, वाटर से फिलफिल होते हैं, ठीक। ये तो एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सबसे ज़्यादा जो माइक्रो स्पोर्ट्स किस में होते हैं और मैक्रो स्पोर किस में होते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आपका जो माइक्रो स्पोर मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लैक सोयल में पाया जाता है, एक क्वेश्चन हो गया। और बात करें मैक्रो स्पोर्स, तो मैक्रो स्पोर्स आपका सबसे ज़्यादा आपका जो सैंडी सोयल होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इतना ही आज का टॉपिक, आई होप कि आज के जो टॉपिक है इससे आपको कुछ नॉलेज मिला है। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इसी प्रकार आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर क्लोज करता है, फिर इसी तरह के एक वीडियो के साथ मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।